सत श्री अकाल जी, बोली होली बाबा चैनल देख रहे सारे दर्शकों का मैं एक बार फिर तो तह दिलों स्वागत करता हाँ। अज तुहाडे वास्ते इस वीडियो विच नवी ते ताज़ा जानकारी लैके पेश होए हाँ। जी हाँ दोस्तों, तो अज आपां गल करांगे कि कीड़ियां 10 चीज़ां हुंदियां ने तुहाडे शरीर दे विच जेकर तुसीं रोजाना तुरदे हो तां। तो वीडियो नूं शुरू तो लैके अंत तक जरूर देखना दोस्तों। तो वीडियो नूं शुरू करन तो पहलां असीं तुहानूं दस दिए कि असीं तुहाडी सेहत ते तुहाडी तंदुरुस्ती नूं ध्यान च रखदे हो इसे तरह दीआं नवीआं ते वधिया वधिया वीडियो हर रोज़ अपलोड करदे हां। जेकर तुसीं भी हर रोज़ अपनी सेहत नाल संबंधित इसे तरह दीआं जानकारियां लैणा चाहुंदे हो तां नीचे दित्ते लाल रंग दे सबसक्राइब बटन नूं दबा के अपने चैनल बोली होली बाबा नूं सबसक्राइब करो ते नाल ही दित्ते नोटिफिकेशन बैल नूं भी दबा दिओ तां कि तुहानूं हर रोज़ नवीं वीडियो अपलोड हुंदिआं नाल नोटिफिकेशन मिल सके। आओ दोस्तों वीडियो नूं शुरू करदे हां। जिवें कि आपां दोस्तों गल कीती कि तुरना तुरना एक दोस्तों बहुत ही वधिया ते बहुत ही अच्छी आदत है। तुरना एक दवाई की तरह है जो कि फ्री है, बहुत ही सौखा काम है, जिहदे नाल तुहाडा शरीर ते तुहाडा मेंटल हेल्थ बहुत वधिया रहिंदी है। इस करके सानू रोजाना तुरना चाहीदा है। तुरन नाल तुहाडा हार्ट, तुहाडे लंग्स, तुहाडी आईसाइट सारा कुछ वधिया रहिंदा है। हुण आपां इक इक करके इहदे फायदे गिणदे हां वी तुरन नाल तुहाडे शरीर दे विच की फायदे होणगे। पहला, यूनिवर्सिटी ऑफ कंसस के अकॉर्डिंग भी जेकर तुसी तुरदे हो तो तुसी काफ़ी बीमारियों तो बचे रहिंदे हो। तो विज्ञानियों के मुताबिक 35 लाख लोगों नूं पूरी दुनिया के अल्जाइमस की बीमारी है। अल्जाइमस का मतलब है भी जेडे लोगों भुलना शुरू हो जाता, जिन्हें थिंकिंग पावर घट जाती है, मैमरी च थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती, याद नहीं रहिंदियां चीज़ां। ये तकरीबन वैसे 60 साल की उम्र तक के लोगों होंदी है, जो कि बहुत ही चिंताजनक गल है। उन्होंने मुताबिक यदा नंबर 20 गुणा होर वधेगा अगे जाके। पर खुशखबरी दोस्तों इतने ये गल है, जिन्हें कोई फिजिकल एक्टिविटी है, जिहड़े तुरदे फिरदे रहिंदे ने, कोई एक्सरसाइज करदे रहिंदे ने, उहनां दे विच इह प्रॉब्लम नहीं देखी गई, क्योंकि उहनां दे दिमाग दे अंदर एक हिपोकैंपस नाम दा हारमोन बनता है जो कि तुहाडे ब्रेन दा एक पार्ट है, जो कि तुहाडी मैमरी नूं ते तुहाडे याददाश्त नूं वधाउण दे विच मदद करदा है। तुहानूं चीज़ां बहुत याद रहिंदियां ने इहदे नाल, प्लस इहदे नाल मैंटल हैल्थ भी वधिया रहिंदी है। तुहाडा स्ट्रैस घटदा, तुहाडी टेंशन घटदी इहदे नाल, अते जदों तुसीं वॉक करोगे तां तुहाडे दिमाग दे अंदर इंडोफिन नाम दा हारमोन बनेगा अते हर तरह दी परेशानी दर्द नू दूर करेगा। दूसरे फायदे की अगर गल करिए ते तुहाडी नज़र नू बहुत तेज बनाउंदा है, कि जदों तुसी तुरदे हो तां तुहाडा ब्लड पूरी तरह पंप कर रहा हुंदा तुहाडी बॉडी दे अंदर, तुहाडा ब्लड सर्कुलेशन पूरा फ्लो तेज हुंदा उस टाइम। जदों तुसी नॉर्मल कंडीशन च हुंदे हो तां तुहाडे अंदर कोई भी किसी तरह का प्रैशर नहीं हुंदा ब्लड का, जदों तुसी तुरदे हो तां तुहाडीआं अक्खां दे विच भी प्रैशर बनता है खून का, जिहदे नाल तुहाडी आईसाइट बहुत तेज बनती है, तुसी दूर तक देख सकते हो। तां जिन्हां लोकां नू आईसाइट की प्रॉब्लम है वह सैर करके देख लैन, उन्हां नू काफ़ी राहत मिलेगी। तीजे फायदे की अगर गल करिए तो तुहाडे दिल नूं बहुत मजबूत बनाउंदा है। इत्थे तुहानूं दस दईए भी रनिंग ते वॉक च बहुत फर्क है। अमेरिकन हार्ट एसोसीएशन के मुताबिक रनिंग नालों वॉक करन नाल तुहाडा हार्ट ज़्यादा स्ट्रोंग बनता है, क्योंकि तुरन नाल तुहाडा ब्लड होर पंप हुंदा है ते जिहदे नाल तुहाडा कोलेस्ट्रोल लैवल घटदा है, इहदे नाल तुहाडा ब्लड सर्कुलेशन भी वधदा है। अगर कोलेस्ट्रोल दा लैवल ही घट गया तुहाडे अंदर तां तुहानूं हार्ट अटैक की कदे भी शिकायत नहीं हो सकती। इत्थे फायदे की अगर गल करिए तो तुहाडे फेफड़िआं नूं बहुत मजबूत बनाउंदा है, क्योंकि तुरन नाल ऑक्सीजन दा फ्लो ब्लड स्ट्रीम विच ज़्यादा हो जाता है। इहदे नाल तुहाडे अंदरों गंदगी निकलती है, पसीना आता है तुहानूं, ते गहरे गहरे साह आउण नाल तुहाडे लंग्स की पावर होर वधदी है, इम्यूनिटी तुहाडी बूस्ट हुंदी है। जिहड़े मेरे भैन भरावां नूं कोई लंग्स की कोई प्रॉब्लम है, फेफड़िआं की कोई प्रॉब्लम है, साह लैण च कोई दिक्कत आती है, उन्हां नूं हमेशा तुरना चाहीदा है। इहदे नाल फेफड़े ज़्यादा मजबूत होणगे ते साह लैण च भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, ते किसी भी तरह की कोई फेफड़िआं रिलेटिड कोई प्रॉब्लम है वह दूर हो जाएगी। पंजवें फायदे की अगर गल करिए तो तुहाडे पैंक्रियास नूं बहुत वधिया बनाउंदा है। शुगर के मरीज वाले बंदियां वास्ते तो सैर करना बहुत ही वधिया है, या उन्हां वास्ते तुरना बहुत वधिया है, क्योंकि इहदे नाल ब्लड शुगर लैवल वधिया रहिंदा है अते इंसुलिन दा बनना घट जांदा है, जिहदे नाल डायबिटिक लोकां नूं बहुत राहत मिलदी है। छेवें फायदे की अगर गल करिए तो तुहाडी पाचन शक्ति नूं बहुत वधिया बनाउंदा है। जिहड़े मेरे भैन भरावां नूं कोई कब्ज़ की प्रॉब्लम है, कोई बदहजमी की प्रॉब्लम है, डाइजेशन की कोई भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, उन्हां नूं सैर करनी चाहीदी है, अते कोलन कैंसर नूं भी बनन तों रोकदा है। कोलन कैंसर है कि जो कि वड्डी अंतड़ी विच बनदा है, इहदे तों भी बचा के रखता है। सत्तवें फायदे की अगर गल करिए तो तुहाडियां हड्डियां नूं ते तुहाडे जोड़ां नूं बहुत वधिया रखता है। इहदे नाल तुहाडा जिहड़ा फ्रैक्चर का रिस्क भी घट जाता है। रोज़ 30 मिनट सैर करना तुहाडे हड्डियां दे विच होण वाली जलन या कोई भी तरह की जकड़न नूं दूर करता है, अते दर्द तों भी तुहानूं राहत मिलेगी, क्योंकि इहदे नाल तुहाडा ब्लड सर्कुलेशन चलेगा ते तुहानूं कदे भी पेन की प्रॉब्लम नहीं आएगी। अठवें फायदे की अगर गल करिए तो तुरन नाल तुहाडे बैक की प्रॉब्लम भी दूर होंदी है। जिहड़े लोकां नूं बैक पेन की प्रॉब्लम है वह भी बहुत दूर होंदी है। तो भी दोस्तों समझण वाली गल ये है भी अगर जिहड़े
ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੈਕ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਬੈਕ ਪੇਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਰ ਉਹ ਭੱਜਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪਾਈਨਲ ਕੋਡ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ, ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਅਗਰ ਉਹ ਤੁਰਨਗੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਲੱਡ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਵਧੀਆ ਚੱਲੇਗਾ, ਫਲੈਕਸੀਬਿਲਿਟੀ ਵੀ ਰਹੇਗੀ ਸਰੀਰ 'ਚ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਵੀ ਸਿੱਧੀ ਰਹੇਗੀ, ਇੱਕਦਮ ਸਟੇਬਲ ਰਹੇਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬੈਕ ਪੇਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਰਾਮ ਮਿਲੇਗਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰਨਾ, ਰਨਿੰਗ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬੈਕ ਪੇਨ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਵੀ ਤੁਰੋ ਆਰਾਮ ਨਾਲ। ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ, ਨੌਵੇਂ ਫਾਇਦੇ ਦੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਇੰਡ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਡ ਹੈ, ਤਾਲਮੇਲ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹੇਗਾ ਮਨ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 30 ਤੋਂ 45 ਮਿੰਟ ਰੋਜ਼ ਬਿਨ ਨਾਗਾ ਸੈਰ ਕਰਦੇ ਹੋ 5 ਦਿਨ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂਡ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਮਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਦੋਸਤੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹ ਜਮਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਕ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂਡ ਸਹੀ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬੋਨਸ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੂਡ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਰਨਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟਨਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਫਰੈਂਡ ਹੋਵੇ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਜਿਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਵਧੀਆ ਸਪੈਂਡ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ। ਇਹ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਰ ਵੀ ਮੂਡ ਵਧੀਆ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਰਨ 'ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਨ ਦੋਸਤੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 30 ਤੋਂ 35 ਮਿੰਟ ਤੁਰਨ ਦੇ ਫਾਇਦੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਬਾਰੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਵੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰ ਲਓ, ਅਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਇੰਨੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਲੈਣੇ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ।